I'm wild, fucking up the game, get a child. Like a phone, like a mouse. Ooh, I'm wild, playing games, set it down style. Pull me up another off the loud. Ooh, I'm wild, fucking up the game, get a child. ओके okay, कि आप लोगों का वन टैप शॉट नहीं लगता, फास्ट ग्लो ऑन नहीं लगता, फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते, तो गाइस आप लोगों का कस्टम एचओडी बिगड़ा है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट टू फिंगर कस्टम एचओडी बताने वाला हूँ। जो कस्टम एचओडी लगाने के बाद ना आप लोग बहुत ही आसानी से वन टैप शॉट मार पाओगे, बहुत ही आसानी से सीटअप ग्लो ऑन लगा पाओगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों का मूवमेंट भी बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ओवरऑल आप लोगों का गेम प्ले काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो गाइस अगर आप लोग टू फिंगर एकदम लेजेंड प्लेयर की तरह गेम प्ले करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो कस्टम एचओडी बताने वाला हूं ना टू फिंगर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कस्टम एचओडी होने वाला है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियो लाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अगर हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट टू फिंगर कस्टम एचओडी जो लगाने के बाद आप लोग का वन टैप हेडशॉट फास्ट मूवमेंट सेटअप ग्लू ऑल बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, तो चलो अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके कस्टम एचओडी बताने का क्या और एक इंपॉर्टेंस है चीज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो कस्टम एचओडी बताने वाला हूँ ना, चाहे आप लोगों का हाई एंड डिवाइस है चाहे आप लोगों का लो एंड डिवाइस है, दोनों डिवाइस पे वर्क करेगा। अबे देखो आप लोगों के सामने जो कस्टम एचओडी दिख रहा ना पूरा डिफॉल्ट कस्टम एचओडी है, अबे ये वाला कस्टम एचओडी मैं वन ऑफ द बेस्ट टू फिंगर कस्टम एचओडी में बदलने वाला हूँ। देखो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को समझा देता हूँ, कस्टम एचओडी को मैं दो डिवाइस पे डिवाइड कर लेता हूँ। देखो ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे लेफ्ट साइड का कस्टम एचओडी। लेफ्ट साइड का बटन का पोजीशन साइज क्या रखना चाहिए जिससे हम लोग का वन टैप शॉट लगे, फास्ट मूवमेंट कर पाए एंड बहुत फास्ट सीटअप ग्लू वॉल लगाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लू वॉल वाला बटन को कहां रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये सब बटन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं एंड ग्लू वॉल वाला बटन का साइज एंड पोजीशन क्या रखना चाहिए। सबसे पहले इसका डिफॉल्ट साइज रहता है 40, तो इसको 45 कर लीजिए। एज यू कैन सी मैं इसको 45 कर लिया। अभी इसका पोजीशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो पीछे जो एक फोटो दिए गए ना कस्टम एचओडी की बैकग्राउंड पे जो फोटो टाइप की दिख रहा है ना, देखो इधर एक पहाड़ टाइप के एक लाइन टाइप के खींचा हुआ है, ठीक है। मैं इधर एक रेड लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये लाइन को पकड़ के ठीक इसी जगह आप लोगों को रखना है। मैं जहाँ पर अपना ग्लू वॉल वाला बटन रखना ठीक उसी जगह पर आप लोगों को अपना ग्लू वॉल वाला बटन लगाना है। देखो ये जो पहाड़ की लाइन टाइप की कहना एकदम लाइन को शट के ऐसे इधर लगा देना है जहाँ पर मैं लगाऊँ। सो कैसे ग्लू वॉल वाला बटन का बेस्ट पोजीशन है, ठीक है, टू फिंगर वालों के लिए बेस्ट पोजीशन है। अब यार बात करते हैं जॉयस्टिक को क्या करना चाहिए। जॉयस्टिक को एकदम आप लोगों को छोटा कर लेना है एंड उसके बाद ये जो तीन ग्लू वॉल दिख रहा है ना, तीन ग्लू वॉल की एकदम मिडिल वाला ग्लू वॉल पे आप लोगों को रख देना, ठीक है। जिस जगह पर मैं रख रहा हूं अपना जॉयस्टिक को इधर रख देना, ओके। अब यार बात करते हैं रन वाला बटन। तो सबसे पहले रन वाला बटन को आप लोग पूरा बड़ा कर दीजिए, पूरा बड़ा कर दीजिए एंड उसके बाद इसका पोजीशन ये जो आप लोगों का जॉयस्टिक है ना तीन ग्लू वॉल की मिडिल पे जो ग्लू वॉल है ना उसका एकदम सीधा करके पकड़ के ऊपर की साइड पे आप लोगों को रखना है जहां पर मैं रख रहा हूं। अच्छे से देखो इधर आप लोगों को रन वाला बटन रखना है। अब यार बात करते हैं बैकपैक एंड मेडिकेट बटन को कहां रखना चाहिए। सबसे पहले दो बटन का साइज आप लोग 70 कर लीजिए, ठीक है, दोनों बटन का साइज 70 कर लीजिए। सो गाइस मैंने दोनों बटन का साइज 70 कर लिया। अब इन लोगों का पोजीशन कहां रखना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को बैकपैक वाला बटन को इधर रखना है, जिधर मैं रख रहा हूं ना इधर आप लोगों को बैकपैक वाला बटन रखना है एंड ठीक उसी के नीचे आप लोगों को मेडी बटन को रखना है। लाइक ये ग्लू वॉल हो गया एंड इधर मेडी बटन होना चाहिए एंड आप लोग चाहो तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आई थिंक नीचे कर दिया। आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर रखना है जहां पर मैं रख रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को सिंपली अच्छे से देख लो, आप लोगों इधर बैकपैक रखना है, इधर मेडी बटन, इधर ग्लू वॉल बटन, इधर रन बटन और इधर जॉयस्टिक बटन। अब लेफ्ट फायर बटन को कहां रखें। अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन को यूज करते हो ना तो गाइस आप लोग इसको इधर रख सकते हो। फिलहाल मैं टू फिंगर कस्टम एचओडी में ये यूज नहीं करता हूं तो इसको मैं छोटा करके कहीं ऊपर रख दूंगा, ठीक है, मैं इधर रख दिया, ठीक है। सो गाइस अब देखो लेफ्ट साइड का कस्टम एचओडी पूरा सेट हो चुका है, ठीक ऐसे आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऐसे सेट करना है। देखो मैंने मिडिल पे आप लोगों का बॉर्डर है एंड लेफ्ट साइड का कस्टम एचओडी पूरा एज इट इज ऐसे रख देना है। आप लोगों को इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करना है, जहां पर मैं बटन रखा हूं उधर आप लोगों को रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट साइड का कस्टम एचओडी के बारे में। सो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट साइड में काफी सारा बटन है। अब इसको कहां-कहां प्लेस करना है, इसका साइज क्या रखना है, सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोगों का सारी चीजें बहुत फास्ट हो, मूवमेंट भी फास्ट हो, ग्लू वॉल भी फास्ट लगा पाओ एंड उसी के साथ साथ वन टैप भी बहुत फास्ट मार पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बटन को एकदम मिडिल पे ला लेंगे एंड एक एक करके मैं आप लोगों को बटन सेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बटन को ऐसे मिडिल पे ला लेते हैं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ड्रैग फायर बटन का साइज एंड पोजीशन के बारे में। सो गाइस साइज के बारे में बात करता हूँ तो आप अपने उंगलियों की साइज के हिसाब से कर सकते हो, अपना जो थंब है ना जिससे ड्रैग करते हो डिस्प्ले के ऊपर बैठा हो उसी के साइज के हिसाब से करो। मैं पर्सनली इसको रखता हूँ 35 में, आप भी रख सकते हो, ठीक है। 35 भी एक बेस्ट साइज होता है, मैं इसको 35 में रखता हूँ, आप भी रख सकते हो। अब बात करते हैं इसका पोजीशन के बारे में। ये मैं काफी सारा वीडियो में बता चुका हूँ तो भी कस्टम एचओडी का वीडियो इसमें बताना तो जरूरी है, ठीक है। तो गाइस देखो ऊपर जो आइटम बॉक्स है ना, दो आइटम बॉक्स के मिडिल पे एक लाइन गया, देख लो इसी लाइन को एकदम पकड़ के पूरा
थोड़ा नीचे की तरफ रखना है। देखो मैं जिस जगह पर रख रहा हूँ आप अच्छे से देख लो, ये लाइन को पकड़ के एकदम नीचे की तरफ लाके एकदम पूरा एज इट इज आप लोगों को इसी जगह पर सेट करना है। मतलब देख पा रहा हूँ ये जो लाइन है ना मिडिल पे, ये लाइन को पकड़ के एकदम नीचे की तरफ, सो कैसे बेस्ट लोकेशन होता है। एंड इस जगह का जो सेंसिटिविटी है ना बहुत ज़्यादा होता है, जिसलिए आप लोगों का जो ड्रैग है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, आप लोगों को वन टेबल शॉट लगने का चांस रहता है। सो कैसे आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली अपना ड्रैग फायर बटन इधर रखना है। अगर बात करते हैं स्कोप बटन के बारे में, सो स्कोप बटन का साइज सबसे पहले आप लोग 70 कर लीजिए। ओके okay, भाई देख पा रहा हूँ मैं स्कोप बटन को मैंने 70 में सेट कर लिया। अब इसका लोकेशन कहाँ है, तो सिंपली आप लोगों का जो ये दो लास्ट आइटम बॉक्स है ना, इसका नीचे जो लाइन गया है इसका मिडिल करके स्कोप के अंदर से एक लाइन गया, देखो तो आप लोग इसी हिसाब से सेट करके आप लोग एकदम पूरा इसके नीचे लगा देना। जहां पर मैं लगा रहा हूँ अपने स्कोप बटन को, आप लोगों को सिंपली उधर लगाना है। एंड उसके बाद आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन जो कि है जंप बटन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस इसका साइज सबसे पहले आप लोग 65 कर लो, ठीक है। जंप बटन का साइज सबसे पहले आप लोग 65 कर लो। ओके मैं जंप बटन का साइज 65 कर लिया। अगर इसका लोकेशन कहाँ है, इसको कहाँ रखे, तो सिंपली अपना जो स्कोप बटन है इसका नीचे लगा दो, लाइक स्कोप बटन के एकदम नीचे एंड फायर बटन से हल्का सा ऊपर। देखो फायर बटन के एकदम साइड पे कर दूंगा तो ऐसा दिखेगा, तो हल्का से इसके ऊपर कर देना, लाइक ऐसा हल्का सा ऊपर जैसे आप लोगों का सामने दिख रहा है, सिंपली आप लोग ऐसे ही सेट करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्राउच वाला बटन, क्राउच वाला बटन भी इंपॉर्टेंट है। सो इसका साइज आप लोग सबसे पहले 60 कर लो, ठीक है। 65 नहीं 60 करना है, ठीक है आप लोग इसका साइज। तो मैंने इसका 60 कर लिया, तो सिंपली आप लोग जो जंप बटन है ना उसके नीचे आप लोगों को लगा देना है एज इट इज। आप लोगों को पूरा ऐसा करना है, देखो इधर आप लोगों को फायर बटन रखना है, इधर स्कोप, इधर जंप, इधर क्राउच। ओके हो गया। ओके अब ये जो यूज वाला बटन इसको कहां रखना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो सामान वामान लूटते हैं ना तो इसी बटन से। तो सबसे पहले इसका साइज आप लोग 50 कर लेना, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले 50 कर लेता हूं, एंड 50 हो चुका है। एंड ये जो लास्ट वाला आइटम बॉक्स है ना, इसका जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर, एक कॉर्नर पकड़ के आप लोगों को सिंपली इधर रख देना है। देखो जहां पर मैं रखा हूं, एक कॉर्नर पकड़ के आपको सिंपली इस बटन को इधर रखना है, डिफॉल्ट भी इधर ही रहता है, तो आप लोगों को सिंपली इधर ही रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रोन वाला बटन के बारे में बात करें, तो ये ज्यादा यूज में नहीं आता, तो इसका साइज बिल्कुल भी कुछ अलग मत करना, 40 रहने देना। और आप लोग सिंपली इस जगह पर रख सकते हो, लाइक फायर बर्नर के नीचे, कभी कभार यूज करना है तो यूज कर सकते हो। ये बटन फ्री फायर में ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार ये बटन भी जरूरी है, तो इधर आप लोग रख सकते हो यूज करने के लिए, जहां पर मैं रखा हूं, ठीक है। मैं भी इधर रखता हूं पर्सनली। अगर बात करते हैं रिवाइव वाला बटन के बारे में, रिवाइव वाला बटन का साइज कुछ मत करो, 40 रहने दो, एंड सिंपली आप लोग यूज के नीचे लगा दो, यूज है ना, यूज बटन के एकदम नीचे लगा दो। ओके अगर हम लोग बात करते हैं अपना जो कैरेक्टर एबिलिटी बटन है ना, इसका साइज कितना रखना चाहिए एंड इसका पोजीशन क्या है, तो साइज सबसे पहले इसका 50 कर लीजिए। मैं फटाफट से 50 कर लेता हूं, एंड देख सकते हो मैंने इसको 50 कर लिया। अब ये सिंपली ना ये जो आप लोगों का जो हेल्थ बार है ना, हेल्थ बार के एंड में जो मैप आइकन दिए गए उसके ऊपर लगा दो, सिंपली आप जहां पर लगा रहा हो ना इधर आप लोग अपना कैरेक्टर एबिलिटी बटन लगा दो। सो गाइस देख पा रहे हो मैंने जैसे लगा, आप लोग सिंपली ऐसे लगा दो। बाकी ये जो डबल गन ये सब बटन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ये मतलब आप खुद ही सेट कर सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट बटन है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं फिलहाल साइड कर देता हूँ, मैं पर्सनली इसको ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ, आसपास ही ऐसे ही रख देता हूँ, ये सब जो बटन है ना ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। कभी कभार यूज में आता तो उसमें क्लिक कर लेता हूँ। ओके अब बाकी रहेगा और एक चीज, ये हमारा गन बॉक्स। ओके इसका साइज क्या रखना चाहिए, सबसे पहले इसका साइज आप लोग 55 कर लीजिए, ठीक है। मैं सबसे पहले इसका 55 कर लेता हूँ। ओके अगर इसका साइज मैंने 55 कर लिया, तो सिंपली आप लोग इस कोने पे सेट कर दो, जैसे मैं सेट कर देना, तो सिंपली आप लोग ऐसे ही सेट कर दो इसका, सिंपली ये वाला गन बॉक्स को ऐसी जगह पर सेट कर दो। ओके अगर मैं कस्टम एचओडी को एक बार सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ओके अगर आप लोगों के सामने जो कस्टम एचओडी दिख रहा है ना, टू फिंगर वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कस्टम एचओडी, कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो लेफ्ट साइड के कस्टम एचओडी को देखो, इससे आप लोग बैकपैक खोल सकते हो, आप लोग हील कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप लोग रन कर सकते हो, ग्लू वाला बटन पर क्लिक कर सकते हो, जॉयस्टिक यूज कर सकते हो लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड पर देखो, राइट साइड पर लोग स्कोप कर सकते हो, जंप कर सकते हो, उसके बाद क्राउच हो सकते हो, उसके बाद आप लोग प्रोन हो सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, आप लोग रिवाइव बटन यूज कर सकते हो, यूज बटन यूज कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप लोग ये जो हेल्थ बार है ना, मतलब कैरेक्टर बटन है ना, इसको भी यूज कर सकते हो, गन भी चेंज कर सकते हो अपने हाथ से। सो गाइस ऐसे मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, आप लोगों के सामने जो कस्टम एचओडी अभी दिख रहा ना, एज इट इज आप लोगों को बटन्स का पोजीशन एंड साइज रखना, आप लोग अपना कस्टम एचओडी पूरा जैसा आप लोगों को दिख रहा ना ऐसा कस्टम एचओडी आप लोगों को लगा लेना है। एंड उसके बाद आप लोगों को 2-3 दिन प्रैक्टिस करना है, एंड मैं लिख के दूंगा आप लोगों का जो वन टैप हेडशॉट, आप लोगों का मूवमेंट फास्ट ग्लू वॉल बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। एंड देखो ये जो ग्लू वॉल वाला पोजीशन, ये जो फायर बटन वाला पोजीशन, उसी के साथ गन बॉक्स पोजीशन, ये जो स्कोप पोजीशन, ये वन ऑफ द बेस्ट है टू फिंगर वालों के लिए। सो गाइस आप लोगों को 2-1 दिन प्रॉब्लम हो गया वाला कस्टम एचओडी लगाने के बाद, बट अगर आप लोग इस कस्टम एचओडी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, एक बार आप लोग हैबिट हो जाते वाला कस्टम एचओडी, तो गाइस आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, आप लोग टू फिंगर से बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर पाओगे, बहुत ही आसानी से वन टैप शॉट मार पाओगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोग बहुत ही आसानी से सीट अप ग्लू वॉल लगा पाओगे। तो सिंपली ये वाला कस्टम एचओडी कॉपी कर लो एंड ये वाला कस्टम एचओडी में खेलो, ठीक है। ओके अगर वीडियो के अंदर जो आप लोगों को टू फिंगर कस्टम एचओडी बताया ना, सिंपली आप लोग कस्टम एचओडी कॉपी करना, आप लोगों को समझना चाहिए कस्टम एचओडी में कैसे वर्क
कर रहा है, क्या कुछ आप लोगों को पहले समझना है, दो तीन दिन प्रैक्टिस करना है, आप लोगों का कस्टमर जोड़ी से काफी आदत बन जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आप लोग इस कस्टमर जोड़ी में ना लिटरली फाड़ दोगे, सामने वाला जो बंदा आएगा ना उसको काफी आसानी से वन टाइम हेड शॉट मार सकते हो, फास्ट ग्लोअर लगा सकते हो, उसी के साथ मूवमेंट भी आप लोगों का फास्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों और कौन सा टाइप की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग और भी जो जो टॉपिक आप लोग कमेंट कर सकते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड ऑलवेज कीप गुड बाय।